हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म कई प्रकार की होती हैं। वो टैबलेट हो सकती है, वो कैप्सूल हो सकता है, सिरप हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, इमल्शन हो सकता है, वो इंजेक्शन हो सकते हैं। दे आर द नंबर ऑफ द डोसेज फॉर्म दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। आज हम बात कर रहे हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म उसमें भी हम बात कर रहे हैं टैबलेट की, और हमें पता होना चाहिए, हमें पता है कि अगर 100% डोसेज फॉर्म हमारे पास में ओरल हैं तो उसमें फर्स्ट चॉइस ऑफ द डोसेज फॉर्म जो है वो टैबलेट होती है। तो टैबलेट जो मार्केट में ओरल डोसेज फॉर्म्स आ रही हैं उसमें 70% डोसेज फॉर्म हमें मिलती हैं इन द फॉर्म ऑफ द टैबलेट। हम टैबलेट की डेफिनेशन की बात करें, टैबलेट इज डिफाइंड एज अ कंप्रेस्ड सॉलिड फॉर्म कंटेनिंग मेडिकमेंट विद और विदाउट एक्सिपिएंट। टैबलेट एक कंप्रेस सॉलिड डोसेज फॉर्म है, पाउडर मटेरियल है, उसको हमने कंप्रेस करा हुआ है एंड उसमें हमने मेडिकमेंट डाल देते हैं अलॉन्ग विद द एक्सिपिएंट और विदाउट एक्सिपिएंट। उसमें एक्सिपिएंट पड़े हुए भी हो सकते हैं या नहीं भी पड़े हो सकते हैं। अगर हम बात करें इंडियन फार्माकोपिया की, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो टैबलेट की डोसेज फॉर्म है दैट इज दी फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स आर दी सॉलिड फ्लैट और बाइकॉनवेक्स डिशेज यूनिट डोसेज फॉर्म प्रिपेयर बाय कंप्रेसिंग अ ड्रग और अ मिक्सचर ऑफ द ड्रग विद और विदाउट एक्सिपिएंट। तो इंडियन फार्माकोपिया कह रही है कि टैबलेट जो हैं ये सॉलिड डोसेज फॉर्म है जिनका की शेप फ्लैट हो सकता है, बाई कॉन्वेक्स हो सकता है, ये यूनिट डोसेज फॉर्म होती है जिन्हें कि हमने यूनिट डोसेज फॉर्म मतलब जिन्हें हमें एक ही बार में किसी भी पेशेंट को खिलाना है। दूसरा इसको बता रहे हैं कि दीज आर प्रिपेयर्ड बाय दी कंप्रेसिंग अ ड्रग और मिक्सचर ऑफ द ड्रग विद और विदाउट एक्सिपिएंट। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको हम कंप्रेस करके बनाते हैं, लोअर और अपर पंच के बीच में मशीन कंप्रेसर मशीन के पाउडर मटेरियल को डाल देते हैं और उसको हम कंप्रेस कर देते हैं। ये इसमें हमारी एक अकेली ड्रग हो सकती है, इसमें एक से ज़्यादा ड्रग हो सकती है, और जैसा कि हमने पीछे कहा कि इसमें एक्सिपिएंट्स हो भी सकता है और एक्सिपिएंट्स नहीं भी हो सकता, मगर मोस्ट ऑफ दी टाइम्स हमें एक्सिपिएंट डालने ही होते हैं। हम बात करें एडवांटेज की, तो एडवांटेज में सबसे बड़ी अच्छी एडवांटेज जो होती है टैबलेट डोसेज फॉर्म की वो है इसका ग्रेटेस्ट डोज प्रिसिशन एंड लीस्ट कंटेंट वैल्यू होती है। हम देखें तो अगर हमें टैबलेट के अंदर 500 mg ड्रग चाहिए तो हमें ऑलमोस्ट 500 mg ही डोज मिलेगी। 50 mg चाहिए तो हमें 50 mg ही मिलेगी। ये वेरिएबिलिटी इसमें 100% ड्रग ना हो के थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकती है, मगर ये बहुत ही लीस्ट होती है, बहुत ही कम होती है। अगर हम बात करें दूसरी एडवांटेज की, तो ये टैबलेट जो है दूसरे जितने भी ओरल डोसेज फॉर्म मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं उनसे इनकी कॉस्ट जो है कम होती है। तीसरे पॉइंट की बात करें, देखें तो जितनी भी डोसेज फॉर्म हैं वो कंपेरेटिवली टैबलेट के मुकाबले उनका वेट ज़्यादा होता है। सिरप की बात कर लें, सस्पेंशन की बात कर लें, मल्शन की बात कर लें, कैप्सूल को छोड़ देते हैं, तो इनका वेट जो है हमें और दूसरी डोसेज फॉर्म के मुकाबले बहुत हल्का मिलता है। चौथे पॉइंट की बात करें, ये ईजिएस्ट हैं और चीपेस्ट हैं पैकेज करने के लिए। इनकी पैकेजिंग इन जो है वो आसान है और सस्ती बैठती है। अगले पॉइंट की बात करें, सस्टेनेबल प्रोडक्ट इज पॉसिबल बाय एंटेरिक कोटिंग। हम टैबलेट का सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो हम क्या करें, उसकी एंटेरिक कोटिंग करा दें, उसको किसी ऐसे पॉलीमर से कोट करा दें जो कि ड्रग के रिलीज को डिले करते हैं। हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर एंड अनप्लीजेंट टेस्ट कैन बी मास्क बाय कोटिंग ऑफ द टैबलेट। तो अगर कोई भी टैबलेट में से कोई ड्रग जो है उसमें कोई भी अनप्लीजेंट ऑर्डर है या अनप्लीजेंट टेस्ट है जो कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, जो उसकी वजह से पेशेंट नहीं ले सकता है, तो उसके केस में हम टैबलेट की कोटिंग करा सकते हैं। लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, लास्ट एडवांटेज की बात करेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द माइन्यूट डोज ऑफ द ड्रग इन एक्यूरेट अमाउंट। जैसा कि हमने पहले पॉइंट में बोला कि वी आर गेटिंग द ग्रेटेस्ट डोज प्रिसिशन, वैसे ही हम यहाँ पर कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द माइन्यूट डोज ऑफ द ड्रग इज एक्यूरेट। हम बहुत छोट कम से कम मात्रा को भी बहुत एक्यूरेसी के साथ में टैबलेट के अंदर डाल सकते हैं और उसको किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर्ड करा सकते हैं। अब बात करें नाउ डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेज जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज, सबसे पहली डिसएडवांटेज बनती है
वो सबसे पहले डिसएडवांटेज ये है कि हमारी जो टैबलेट डोसेज फॉर्म है वो हम किसी पेशेंट को देना चाह रहे हैं, और वो पेशेंट स्पेशली हमारे चिल्ड्रन है तो वो फॉलो करने में उसको डिफिकल्टी होती है। और दूसरा इसी के साथ में कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसको हम टैबलेट खिला नहीं सकते, उसके लिए हमें उसको इंजेक्टेबल पे जाना पड़ेगा। ड्रग विच आर एमॉर्फस एंड हैविंग लो डेंसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस इन टू द टैबलेट। तो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई टैबलेट एमॉर्फस है या उसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी लो है, तो उसको हम टैबलेट में कंप्रेस कर पाना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। तीसरी डिसएडवांटेज क्या है कि अगर कोई ड्रग हाइग्रोस्कोपिक है, हाइग्रोस्कोपिक मतलब हमें पता ही है कि कोई ऐसा पाउडर मटेरियल जो कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को खींच ले, तो उस टाइप की डोसेज फॉर्म के लिए टैबलेट बनाना बहुत मुश्किल काम रहता है। अब चौथे पॉइंट की बात करेंगे, ड्रग विद लो और पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी, स्लो डिजोल्यूशन, हाई एब्जॉर्बेंस इन जी आई ट्रैक्ट में डिफिकल्ट टू फॉर्मलेट। अगर कोई ड्रग है जिसका कि वाटर सॉल्युबिलिटी कम है तो जाहिर सी बात है स्लो डिजोल्यूशन होगा, और उसका स्लो डिजोल्यूशन इसकी वजह से इस तरह की टैबलेट के लिए हमें बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि उनका एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर जी आई ट्रैक्ट के अंदर थोड़ा सा पुअर रहता है। नेक्स्ट आखिरी पॉइंट की बात करेंगे, पाँचवें पॉइंट की बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन मे बी इंक्रीज बिकॉज ऑफ द कोटिंग एंड इनकैप्सुलेशन टू रिमूव द बिटर एंड अनप्लीजेंट टेस्ट। अगर हम किसी ड्रग का टेस्ट जो है अनप्रेजेंट है, उसमें से ऑर्डर आ रही है तो, और उसके हम कोटिंग करना चाहते हैं या कैप्सुलेशन करना चाहते हैं, तो उसके केस में हमारा जो कॉस्ट है टैबलेट की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो ये किसकी एक डिसएडवांटेज बन जाती है। अगर हम कोटिंग इनकैप्सुलेशन करा रहे हैं आदि जो से फॉर्म के, हम कैप्सूल के अंदर भरने से हमारे को कॉस्ट कंपेटिवली कम बैठेगी। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ दी टैबलेट्स, जो हमारा आज का मेन पॉइंट है वो है हमारा टाइप्स ऑफ दी टैबलेट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ दी टैबलेट में पहला पॉइंट ए बन जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, टैबलेट जो हमें ओरली खानी है, तो उसमें पहला नाम आता है कंप्रेस टैबलेट, इसका एग्जाम्पल है पैरासिटामोल टैबलेट। अभी हम केवल टाइप्स को डिस्कस करेंगे, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट जिसमें कि हमने टैबलेट को दो बार करीब जो है कंप्रेस किया हुआ है, एक से ज़्यादा बार कंप्रेस किया हुआ है। रिपीट एक्शन टैबलेट जिसका एक्शन दो बार में एक्शन दे रही है, एक बार तो एकदम से घुल गई, दूसरी बार में थोड़े थोड़े बाद में घुली, तो इस तरीके से हमारे को एक्शन दे रही है। डिलेड रिलीज टैबलेट, डिलेड रिलीज टैबलेट का एग्जाम्पल है एंटेरी कोटेड वीसा कोटेड टैबलेट। पाँचवें पॉइंट की बात करेंगे शुगर कोटेड टैबलेट, फॉर एग्जाम्पल मल्टीविटामिन टैबलेट। छठे पॉइंट की बात करेंगे, छठे टाइप की बात करेंगे वो है हमारी फिल्म कोटेड टैबलेट, फॉर एग्जाम्पल मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट। सातवें की बात करेंगे चेबल टैबलेट, फॉर एग्जाम्पल एंटासिड टैबलेट। बी में आते हैं टैबलेट यूज इन दी ओरल कैविटी टैबलेट, वैसी टैबलेट जिनको हमें मुंह में रखना होता है और वहीं से उनका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, वो है बक्कल टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट, टचेस और लोजेंजेस, एंड चौथा है डेंटल कोन। सी पर आते हैं, सी पे हम बताएंगे कि टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट, कोई टैबलेट बना ली है और जिसको हम अदर देन दी ओरल रूट दे रहे हैं, तो उसमें हमारे दो टाइप बनते हैं, पहला है इम्प्लांटेशन टैबलेट्स और दूसरा बनता है वेजाइनल टैबलेट्स। अब नेक्स्ट डी की बात करें टैबलेट यूज टू प्रिपेयर द सोल्यूशन, इसमें हम टैबलेट को बनाते जो है टैबलेट को मतलब पानी में घोलने के बाद में पेशेंट को टैबलेट देते हैं। इसके जो नाम आते हैं, इसमें जो टाइप आते हैं वो एफर्वेसेंट टैबलेट है, डिस्पेंसिंग टैबलेट है, हाइपोडर्मिक टैबलेट है और टैबलेट टाइप। नेक्स्ट इज दी, अब इसमें हम डिटेल में इनकी बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे कंप्रेस टैबलेट की। तो कंप्रेस टैबलेट क्या है, कंप्रेस टैबलेट जो है स्टैंडर्ड अनकोटेड टैबलेट है जो कि सिंपली मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है जिनकी बाय द कंप्रेशन। द जनरल मेथड आर फॉर मेकिंग द कंप्रेस टैबलेट्स हैं वेट ग्रैनुलेशन टेक्निक, ड्राई ग्रैनुलेशन टेक्निक और डायरेक्ट कंप्रेशन टेक्निक। इसमें जो है हमारे ड्रग जो है बिल्कुल रैपिडली डिसइंटीग्रेट होती है और रैपिडली उसका ही हमें ड्रग रिलीज मिलता है। बात करें ये से जो हमें एक्शन मिल रहा है, एक्शन जो दोनों तरीके के एक्शन मिलते हैं, इससे हम सिस्टमिक इफेक्ट भी ले सकते हैं, इससे हम लोकल एक्शन भी ले सकते हैं। अगला है मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट, इसकी डेफिनेशन है मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग द मटेरियल मोर देन वंस। ये ऐसा कि हमने पीछे भी कहा मल्टीपल टैबलेट्स क्या हैं जिनको कि हम एक से ज़्यादा बार कंप्रेस कर रहे हैं पाउडर मटेरियल को, वो ऐसी टैबलेट को हम बोल रहे हैं।
मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट, इनको बनाने का पर्पज़ क्या है? दिस टैबलेट आर फॉर्मुलेटेड, पहला पॉइंट पर्पज़ है टू सेपरेट फिजिकली और केमिकली इनकम्पेटिबल इन्ग्रीडियंट। तो जो हमारे फिजिकली या केमिकली इनकम्पेटिबल इन्ग्रीडियंट हैं, जो एक दूसरे के साथ अगर मिक्स करके एक ही बार टैबलेट बनाएंगे तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, तो उनको हमें सेपरेट रखना चाह रहे हैं। इसके लिए पहला रीज़न हम क्या है, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट बना रहे हैं। दूसरा रीज़न क्या है, टू प्रोड्यूस रिपीट एक्शन और प्रोलॉन्ग एक्शन ऑफ द ड्रग। तो इससे हमें किसी ड्रग का रैपिड एक्शन लेना है या प्रोलॉन्ग रिपीट एक्शन लेना है या प्रोलॉन्ग एक्शन लेना है, तब हम मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट बनाते हैं। इस तब तो हमने इमीडिएट ग्रेन्यूल्स ले लिए, उसको हमने कंप्रेस कर दिया, और दूसरा जो हमने दोबारा में ग्रेन्यूल डाल के कंप्रेस करा, वो जो ग्रेन्यूल थे दैट वर दी हैविंग सम सस्टेन रिलीज पॉलीमर, जिससे कि ड्रग का एक्शन हमें काफ़ी, ड्रग का रिलीज जो है हमें काफ़ी लंबे समय तक मिले। नेक्स्ट इज दी रिपीट एक्शन टैबलेट। रिपीट एक्शन टैबलेट्स क्या हैं, आर दी वन टाइप ऑफ द एक्सटेंडेड रिलीज डोसेज फॉर्म। इसमें हमें जो है ड्रग का रिलीज काफ़ी टाइम से मिल रहा है, ड्रग हमारी लंबे समय तक इसमें एक्सटेंड होती रहेगी। दे यूजुअली कंटेन टू सिंगल डोजेज ऑफ द मेडिकमेंट। इसमें क्या है कि इसमें टू सिंगल डोजेज ऑफ मेडिकमेंट की रहती हैं, वन फॉर द इमीडिएट रिलीज, एक तो जाते ही एकदम से इमीडिएटली ड्रग को रिलीज कर दी, एंड वन फॉर द रिलीज, और दूसरा जिससे कि हमारे ड्रग का रिलीज डिले होगा, जिससे कि ड्रग की कंसेंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा देर तक बनी रहेगी और उसका हमें एक्शन मिलता रहेगा। डिलेड एक्शन एंड एंटेरी कोटेड टैबलेट। दिस डोसेज फॉर्म इज इंटेंडेड टू रिलीज द ड्रग आफ्टर सम टाइम डिले और आफ्टर द टैबलेट हैज पास वन पार्ट ऑफ द जी आई टी इन टू द एनदर। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं ये डोसेज फॉर्म जो है, हमें इसमें टैबलेट का जो रिलीज लेना है वो या तो हमें डिले लेना है या उसको स्टॉक से पास करा कर हमें इंटेस्टाइन में इफेक्ट लेना है, तो इस तरीके टाइम पर हमें डिले एक्शन या एंटेरी कोटेड टैबलेट बनानी होती है। इसमें हम बताना चाह रहे हैं द ऑल एंटेरी कोटेड टैबलेट्स आर टाइप ऑफ द डिलेड एक्शन टैबलेट, बट ऑल डिलेड एक्शन टैबलेट्स आर नॉट एंटेरिक और नॉट इंटेंडेड टू प्रोड्यूस द एंटेरिक एक्शन। तो हम कह सकते हैं कि सभी एंटेरी कोटेड टैबलेट्स से तो डिलेड एक्शन मिल सकता है, मगर हम कहें कि ऑल डिलेड टैबलेट एक्शन टैबलेट्स जो हैं वो एंटेरी कोटेड होंगी, ये कहना गलत होगा। अगला बात करते हैं शुगर कोटेड टैबलेट। प्राइमरी रोल इज टू प्रोड्यूस एन एलिगेंट ग्लॉसी ईजी टू स्वैलो वाइडली यूटिलाइज इन प्रिपेयरिंग मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल कॉम्बिनेशन, मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल विटामिन कॉम्बिनेशन शुगर कोटेड डबल डी टैबलेट वे। तो इसको हम जो शुगर कोटेड टैबलेट बना रहे हैं वो सुंदर दिखाने के लिए, वो एक चमकदार टैबलेट दिखाने के लिए, जिसको कि कोई भी पेशेंट देख के अच्छे खाने की इच्छा हो। जनरली ये हम मल्टी विटामिन के लिए या मल्टी मिनरल मल्टी विटामिन कॉम्बिनेशन के लिए बनाते थे, अब तो थोड़ा इसका यूज़ कम हो गया है। और शुगर कोटेड की जो बुराई है या खास बात है वो ये है कि जब हम कोटिंग करते हैं तो हम कोटिंग मल्टीपल लेयर्स में करते हैं, जिसकी वजह से इसके टैबलेट का वेट लगभग दुगना भी हो जाता है। फिल्म कोटेड टैबलेट की बात करते हैं। फिल्म कोटेड इज़ अ थिन पॉलीमर बेस्ड कोट अप्लाइड टू अ सिंगल सॉलिड डोसेज फॉर्म सच एज अ टैबलेट। फिल्म कोटेड एक बहुत हल्की सी थिन सी पॉलीमर की कोटिंग टैबलेट के ऊपर अप्लाई करी जाती है, इसको हम फिल्म कोटेड टैबलेट बोल रहे हैं। इसकी थिकनेस जो रहती है जनरली वो 20 से 100 माइक्रोमीटर रहती है, बहुत ही फाइन रहती है। एडवांटेज क्या है इसकी शुगर कोटेड के ऊपर कि ये एक अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे देती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कोटिंग की, और जो सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है कि ये टैबलेट के वेट को बिल्कुल भी बढ़ाती और जल्दी हो जाती है। च्यूएबल टैबलेट। दीज आर इंटेंडेड टू बी च्यूड इन द माउथ बिफोर स्वाइंग। तो च्यूएबल टैबलेट में हमें कोई डिसइंटीग्रेंट नहीं डालना है, क्योंकि हम इसको दांतों से चबा रहे हैं, तो इसको खाने से पहले, इसको निगलने से पहले हमें चबाना पड़ता है। जनरली बच्चों की कैल्शियम की टैबलेट कुछ इसी तरीके की बनी होती है। यूज फॉर लार्ज टैबलेट्स ऑफ एंटासिड, बिटर और फाउल टेस्टिंग ड्रग्स आर नॉट सूटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ द टैबलेट। तो ये जो एंटासिड की टैबलेट आ रही हैं उसके लिए तो बढ़िया है, मगर कोई ऐसी टैबलेट है जिसका कि टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और अजीब सी महक आती है, तो उस टाइप की टैबलेट हम ट्यूबल टैबलेट नहीं बना सकते। बक्कल टैबलेट्स आर स्मॉल फ्लैट एंड आर इंटेंडेड टू बी हेल्ड बिटवीन द चीक एंड टीथ। बक्कल टैबलेट जो हैं हमें अपने गाल और दांतों के बीच में इसको
छुपाना पड़ता है, रखना पड़ता है, और ये स्मॉल होती हैं, फ्लैट होती हैं। और इनकी जो बात करें हम टैबलेट की, ये विटामिन सी की टैबलेट कुछ इसी तरीके की टैबलेट होती है। सबलिंगुअल टैबलेट्स जो हैं वो भी स्मॉल हैं, फ्लैट हैं, बट इनको जो है हमें जीप के नीचे रखना होता है। इन दोनों टैबलेट की बात करें, इन दोनों टैबलेट में ये है कि इनके हम उन्हीं ड्रग्स की बना सकते हैं जिनकी की डोज बहुत हाई, बहुत कम होती है, लो डोज ड्रग के लिए इसको हम बना सकते हैं। ड्रग यूज बाय दिस रूट आर फॉर क्विक सिस्टमिक एक्शन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हमारा स्टार्ट हो जाता है ओरल से, एंड दे आर पासिंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पास हो जाता है, इसलिए इनका एक्शन हमें बहुत अच्छे से मिल जाता है, बहुत बढ़िया से एक्शन मिलता है, बहुत फास्ट मिलता है। द टैबलेट्स आर डिजाइन नॉट टू बी डिसइंटीग्रेट बट स्लोली डिजॉल्व, ये टैबलेट जो है इसमें हम डिसइंटीग्रेट बहुत कम डालते हैं और ये स्लोली मूवमेंट डिजॉल्व की रहती हैं। टर्चेज एंड लोजेंजेस की बात करें, लोजेंजेस बोले तो विक्स की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो, ये भी हमें ओरल कैविटी में रखनी है। दीज आर यूज टू एक्सर्ट लोकल इफेक्ट इन द माउथ एंड थ्रॉट, ये लोकल एक्शन देंगी मुंह में और गले में। दे आर कॉमनली यूज टू ट्रीट सोर थ्रोट और टू कंट्रोल कफिंग इन द कॉमन कोल्ड, ये कुछ हमारा गला ख़राब हो गया है या हमें खांसी हो गई है या हमें कॉमन कोल्ड हो गया है, उस टाइम पर हम इस तरह की टैबलेट यूज़ करते हैं। और इसमें जो हम डाल सकते हैं, ये इसमें जो अभी API यूज़ कर सकता है वो कोई लोकल एनेस्थेटिक्स हो सकता है, वो एंटीसेप्टिक हो सकता है, एंटीबैक्टीरियल हो सकता है, डिमल्सेंट हो सकता है, एस्ट्रिंजेंट हो सकता है, और कोई एनिटसिव हो सकता है। इनकी भी यही खास बात है कि इनको भी मुंह में हमें क्योंकि डिजॉल्व कराना है तो इनको डिजोल्यूशन पुअर होगा और इसमें हमें डिसइंटीग्रेट बहुत ना के बराबर रखना होगा और लगभग 30 मिनट तक ये मुंह में डिजॉल्व होती हैं। डेंटल कोन, दीज टैबलेट्स आर डिजाइन टू बी प्लेस्ड इन द एम्प्टी सॉकेट रिमेनिंग आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन, जो भी हमारा जब टूथ एक्सट्रैक्शन हो चुका है उसके बाद में इनको हमें जो खाली जगह पर वहाँ पर डेंटल कोन रख दिए जाते हैं, टैबलेट रख दिए जाती हैं। इनका पर्पस ये है कि उस जगह पर कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो और ब्लीडिंग को रोका जा सके। इम्प्लांटेशन टैबलेट, ये टैबलेट हमने जो बना रखी हैं उनको हम सर्जरी करके बॉडी कैविटी में हम क्या करते हैं रख देते हैं, वापस उसको फिर से बंद कर देते हैं, और इनसे हमें ड्रग का रिलीज कई महीनों तक मिल सकता है, एक महीने मिल सकता है, एक साल तक भी मिल सकता है। दिस मेथड रिक्वायर स्पेशल सर्जिकल टेक्निक्स फॉर द इम्प्लांटेशन एंड डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द थेरेपी, तो जैसे मैंने बताया कि इसमें सर्जिकल टेक्निक लगानी पड़ेगी प्लांटेशन के लिए, अगर उसको डिसकंटिन्यू करना है थेरेपी को तब भी हमें सर्जरी करके ही उस टैबलेट को हम बाहर निकाल सकते हैं। जनरली यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन टू फ्रूट प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, तो ये ग्रोथ हार्मोन की इसमें टैबलेट बनाकर हम एनिमल्स में को इम्प्लांट कर सकते हैं। वेजाइनल टैबलेट, दीज आर डिजाइन टू अंडरगो थ्रो डिसोल्यूशन एंड ड्रग रिलीज इन दी वेजाइनल कैविटी, तो ये जो टैबलेट बना रहे हैं इनको हम स्लोली डिजॉल्व कराते हैं जिससे कि ड्रग रिलीज भी स्लो होगा और ये हम इंसर्ट करा देते हैं वेजाइनल कैविटी में। टैबलेट्स आर वाइड और पियर शेप, ये या तो वाइड होंगी या फिर पियर शेप्ड होंगी, और जनरली इसमें जो डाला जाएगा उसमें हम कोई एंटीबैक्टीरियल डालते हैं, एंटीसेप्टिक डालते हैं, एंटी एस्ट्रिंजेंट डालते हैं टू ट्रीट दी वेजाइनल।